And dear students, good morning. This is Mayank Pandey. Dear students, इससे मेरा session start हो रहा है. मैंने इसके बारे में पीछे आपको बता दिया है. टेस्ट वीडियो था. मेरा जो session है वो financial accounting में tally है. But सबसे पहले मैं students आपको बताना चाहता हूँ. कुछ comments हमें मिली है students की. क्या सर मैं इस क्लास को पढ़ सकता हूँ? इसका कुछ फी चार्ज तो नहीं होगा? तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस क्लास का कोई भी फी चार्ज नहीं है. इसे कोई भी पढ़ सकता है. मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे सेंटर मेरे इंस्टीट्यूट क्यूति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट कॉलेज ऑफ आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी पढ़ सकते हैं. अदरवाइज कोई भी पढ़ सकता है इसको. जिसको भी आवश्यकता है फाइनेंशियल अकाउंट को करके कहीं भी एज ए अकाउंटेंट जॉब करना चाहता है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है स्टूडेंट्स. और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं और बताना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे. बिकॉज ये जो क्लास होगी क्योंकि आज मैं फर्स्ट डे की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ अपना, इसमें आपको जो पॉइंट्स होंगे उसको नोट डाउन करते रहना है. स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन करते रहेंगे वो आपके इन फ्यूचर बहुत ही काम आने वाला है. आज का जो मेरा टॉपिक है जैसे मैंने लिख के रखा है इसमें हिस्ट्री ऑफ टैली डॉट ईआरपी. क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं आप लोगों को टैली के हिस्ट्री से आपकी क्लासेस को स्टार्ट करूंगा. और ये जो क्लास होगी आपके क्लासरूम की तरीके से होगी. इसमें आप डीपली नॉलेज लेंगे कंप्लीट नॉलेज. कहीं कोई इफ बट नहीं रहेगा. इस वीडियो को देखने के बाद इस मेरे सेशंस को पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि मैं टैली में मेरे से ये छूट रहा है. कुछ भी छूटने वाला नहीं है. तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ टैली. सेकेंड टॉपिक में मैं टैली वर्जन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगा. क्योंकि इसमें समय के व्यतीत होने के साथ साथ नए नए जैसे जैसे नए नए वर्जन्स आए हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं अपग्रेडेड वर्जन आते गए हैं. टैली वर्जन्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स आपको. नेक्स्ट टॉपिक होगा डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट एंड क्रेडिट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में. कोई भी बिजनेस में है उस बिजनेस में अकाउंटिंग करने के लिए ये दो वर्ड जो है वो बहुत जरूरी है. ये दो वर्ड आपके डबल एंट्री सिस्टम से आते हैं. और कोई भी जनरल एंट्रीज करनी है तो आपको डेबिट और क्रेडिट में डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए. तो वो मैं इस टॉपिक में बताऊंगा आप लोगों को. और नेक्स्ट होगा आपका अकाउंटिंग सिस्टम. आज के मेरे फर्स्ट डे की क्लास में ये चार टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूं. अकाउंटिंग सिस्टम कहने का मतलब अकाउंटिंग लेखा करने की जो पद्धति है. आपके टैली सॉफ्टवेयर में भी दो तरीके का अकाउंटिंग सिस्टम यूज किया जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम. आपके टैली के कॉन्फ़िगरेशन में इसकी सेटिंग भी है सिंगल एंट्री मोड एंड डबल एंट्री मोड. तो वो भी मैं इसमें आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब करूंगा. सो आज का मेरा जस्ट फर्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टैली. सो स्टूडेंट एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे आप. और एक चीज और, यदि हमारी सारी क्लासेस को आप देखना चाह रहे हैं हर एक क्लास को ज्वाइन करके पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको मेरे चैनल को, मेरा चैनल है KCRE टैली स्पेशलिस्ट, इस चैनल को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा. और प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस न हो. सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट हिस्ट्री ऑफ टैली. मेरा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ टैली डॉट ईआरपी. टैली शब्द जो है टैली TALLY टैली. टैली को हम अगर उसको तोड़ते हैं उसके नेम का पूरा नेम देखते हैं टैली का तो T फॉर टोटल, A फॉर अकाउंटिंग, L फॉर लीडिंग, L फॉर लिस्ट, Y फॉर ईयर. कहने का मतलब एक साल में एक वन ईयर का जो पीरियड होता है जिसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं. स्टूडेंट्स आप लोग जान रहे होंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है. प्रत्येक बिजनेस कंपनी में फाइनेंशियल ईयर, जैसे आप बैंक वगैरह का तो सब जान रहे होंगे, बैंक के नाते ही फाइनेंशियल ईयर लोगों को ज्यादा मालूम रहता है. फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च.
ये जो 1 ईयर का गैप होता है, 1 ईयर का पीरियड होता है, इसे हम फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और किसी भी बिजनेस कंपनी का जो अप्रैल है वो ओपनिंग मंथ होता है और मार्च जो होता है वो क्लोजिंग मंथ होता है। तो अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर में मार्च तक का जो पीरियड है उसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और एक फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल अकाउंटिंग होती है उस कंप्लीट अकाउंटिंग, टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, मतलब कंपनी एक साल में व्यापार में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो व्यापार लीड करता है, उसकी लिस्टिंग का टोटल वर्क हम टैली में कर सकते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ईआरपी है, ईआरपी मीन्स इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इंटरप्राइज हम किसी भी व्यापार, किसी बिजनेस उद्योग को कह सकते हैं। रिसोर्सेज व्यापार को बढ़ाने के लिए जो सोर्स होते हैं, सोर्सेज जो है उसको प्लान करने के लिए ईआरपी को इसमें ऐड कर दिया गया। जब से टैली ईआरपी हो गया है तो हम अपने व्यापार को कहीं से भी बैठ करके मेंटेन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टैली हम पढ़ रहे हैं, आज का फर्स्ट सेशन हमारा हिस्ट्री ऑफ टैली है। टैली का जो नाम है, कंपनी जिस कंपनी के द्वारा टैली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है वो आपका टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, बट ये नाम आज है, पहले ये नाम नहीं था जब इसकी उत्पत्ति हुई थी। टैली की उत्पत्ति भारत के कर्नाटक प्रदेश से, बेंगलोर शहर से हुआ है। जब ये सॉफ्टवेयर बना तब इसे टैली सॉल्यूशंस से नहीं जानते थे, तब इसका नाम था प्लूट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या आप जानते हैं कि फादर ऑफ टैली कौन है, टैली के जनक कौन है? बेंगलोर के एक बिजनेसमैन सर, 1986 में टैली को डेवलप किया गया। टैली के बारे में हो गया, जो उसके फादर हैं सर एस एस गोयनका एंड उनके पुत्र हैं भरत गोयनका, एस एस गोयनका श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र श्री भरत गोयनका जी, जिन्होंने टैली को बनाया। आप जानते हैं या नहीं जान रहे हैं तो मैं उसको बता रहा हूं कि जो भरत गोयनका, सॉरी श्याम सुंदर गोयनका जी एक बिजनेसमैन है और वो दूसरे प्लांट एंड टेक्सटाइल्स मशीनरी, टेक्सटाइल्स मिल्स को कच्चा माल और पार्ट, मशीनरी पार्ट्स के बहुत बड़े सप्लायर थे। उन्हें अपने व्यापार का हिसाब किताब रखने के लिए बहुत सारी असुविधा होती थी, उनके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं था जिसमें वो अपने व्यापार को मेंटेन कर सके। तो एस एस गोयनका जी ने अपने पुत्र को बुलाया, भरत गोयनका जी को, जो कि 23 वर्ष के थे और वो मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट थे। उन्होंने उनसे कहा कि हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जरूरत है जिसमें हम अपने व्यापार को कंप्लीटली मेंटेन कर सके। आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें अपने व्यापार को मैनेज करें, जिसमें उसका कंप्लीट लेखा जोखा हम रख सकें। तो भरत गोयनका जी ने एक जो इसका पहला संस्करण बनाया, जो टैली की उत्पत्ति जहां से हुई, एमएस डॉस वर्जन्स के अंतर्गत एक एप्लीकेशन, वो जो एप्लीकेशन बनाया उन्होंने, जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया वो एमएस डॉस के अंतर्गत था। और ये उन्होंने 1986 में 3.0 नामक वर्जन उन्होंने डेवलप करा, बट वो एक डेमो वर्जन था जो उन्होंने अपने लिए रखा था, एक बेसिक अकाउंटिंग का वर्जन था, मतलब एक सॉफ्टवेयर बना। और तब इसका नाम टैली नहीं था, जबकि आप जानते हैं टैली सॉफ्टवेयर जो बना वो 1988 से उसका इन्वेंशन माना जाता है, जबकि इस पर वर्क जो हुआ वो 1986 में हुआ। भरत गोयनका जी और एस एस गोयनका जी के द्वारा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया 1986 में, जो कि एमएस डॉस बेस्ड में एप्लीकेशन था। तब इसका नाम प्लूट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट के नाम से जानते थे, मतलब 1986 में टैली का नाम प्लूट्रॉनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट था। फिर इसका नाम टैली कब हुआ स्टूडेंट्स? 1988 में, जब इसको उनका डेमो उन्होंने चेक कर लिया, उन्हें लगा हाँ ये चीज बहुत ही अच्छी बन गई है,
इसे अगर हम मार्केट में भी देते हैं तो बहुत अच्छा काम होगा इस पर। तो उन्होंने प्यूट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत प्यूट्रॉनिक फाइनेंशियल का नाम बदल करके टैली रख दिया। तो 1988 में टैली सॉफ्टवेयर डेवलप, इसलिए इसका इन्वेंशन, इसको पाया कब गया, फाउंड कब हुआ, 1988 में, जब इसका नाम टैली पड़ गया, टैली। और स्टूडेंट्स तब टैली का जो वर्जन लॉन्च हुआ वो टैली 4.0 हुआ, टैली 4.0 जो कंप्लीटली डॉस बेस्ड था। तो ये थी इसकी एक हिस्ट्री। इसके बाद टैली के बहुत सारे वर्जन आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक है टैली वर्जन। सो स्टूडेंट्स लेट अस नेक्स्ट टॉपिक टैली वर्जन। मेरा सेशन जो टैली वर्जन का मतलब हो गया टैली के जो नए नए संस्करण, जो अपडेटेड वर्जन आए, टैली के नए संस्करण जो आए उसके बारे में मैं डिस्क्राइब करूंगा आप लोगों को। स्टूडेंट टैली का 98 में जो वर्जन आया वो 4.0, उसके जस्ट बाद ही टैली का नया संस्करण आया, उसमें कुछ जो त्रुटियां देखी गई उसको चेंज किया गया, टैली का वर्जन आ गया टैली 4.5। टैली 4.0 और टैली 4.5 दोनों ही डॉस के आधारित एप्लीकेशन थे, बिकॉज तब विंडोज नहीं था, अगर था भी तो डॉस मोड में था, इसलिए वो। और डॉस आप जानते हैं, डॉस एक सीवाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सेशन में और बनाऊंगा वीडियो जो टैली से हट के होगा, मेरे कंप्यूटर की और सारी क्लासेस भी चलेंगी स्टूडेंट्स, उसमें मैं फंडामेंटल की क्लास बनाऊंगा बाद में, फिर मैं आपको कंप्लीट डिस्क्राइब करूंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। बट आप यहां जाने कि सी वाई बेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस के आधार पे दो होता है, एक सी वाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एक जी वाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। सी वाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जिसे सिंगल यूजर बोलते हैं, एंड जी वाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स हो गया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें हम ग्राफिक्स के साथ ही सारा वर्क कर सकते हैं। तो तब आपका सी वाई बेस्ड, जो भरत गोयनका जी ने टैली नाम से सॉफ्टवेयर बनाया था वो डॉस बेस बनाया था। तो ये आपका टैली 4.5 एमएस डॉस बेस का एप्लीकेशन था। उसके बाद जब विंडोज आ गया और विंडोज पॉपुलर होने लगा, मांग बढ़ी, तो उन्होंने टैली का एक अपडेटेड वर्जन बनाया जो विंडोज बेस्ड जीवाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे जो काम करने जैसा था। 1995 टैली 5.4 विंडोज बेस का जो सबसे पहला संस्करण है टैली का वो 5.4 है। फ्रेंड्स इसके बाद ज्यादातर तब बिजनेस में ही इसको यूज किया जाता था, लेकिन जब इस सॉफ्टवेयर को देखा गया तो इसके लिए इसकी एजुकेशन सेक्टर में बढ़ने लगे लोग, तो इसमें एक नया संस्करण आया टैली का, क्योंकि 95 के बाद ही इंटरनेट इंडिया में आ गया। 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट आ गया इंडिया में BSNL के द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा। फ्रेंड्स उसके बाद 2001 में टैली 6.9, एक सूचना मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2001 टैली 6.3 से पहले ही टैली सॉफ्टवेयर इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि एजुकेशनल सेक्टर में आने के लिए उन्होंने टैली सॉफ्टवेयर का, सर SS गोयनका और भरत गोयनका जी ने टैली सॉफ्टवेयर का एक फर्म मेंटेन करा, जो प्यूट्रॉनिक्स नाम से कंपनी चल रही थी उसको टैली सॉल्यूशंस में कन्वर्ट कर दिया। 1999 में प्यूट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड से टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम पड़ गया टैली का, टैली की कंपनी का, टैली की फर्म का नाम क्या हो गया, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो 1999 में। यहां पर टैली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन देने के लिए एक फॉर्म बना दिया गया, टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। फिर हम बैक होकर के वर्जन पे आ जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो 2001 में टैली का 6.3 वर्जन लॉन्च किया जो एजुकेशनल यूज में आने लगा,
बिजनेस रिलेटेड था ही बट एजुकेशनल में भी इसको इग्नोर किया गया और इसमें ऑप्शनल इंटरनेट भी डाला गया जिससे हम अपने किसी भी डेटा को मेल वगैरह के द्वारा हम इसको ट्रांसफर कर सकते थे। फिर चूंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है इसको आप जानते हैं, तो जैसे जैसे एडवांस होता गया, अपग्रेड होते गए, नए नए संस्करण टैली में आते गए। फिर टैली में 2005 में टैली का एक नया संस्करण आया, चूंकि 2005 में वैट आ चुका था। वैट मींस वैट एक ऐसा कर टैक्स है जो भारतीय कस्टमर्स के लिए बहुत ही यूजफुल था, वैल्यू एडेड टैक्स। हालांकि अब वैट नहीं रह गया है हमारे इंडिया में, अब जीएसटी आ गई है, वैट हटा दिया गया है, तो वैल्यू एडेड टैक्स को इन्वॉल्व किया गया और टैली का नया वर्जन जो आया टैली 7.2, 2005 में टैली का नया संस्करण आया 7.2। इसके बाद जब इस सॉफ्टवेयर को इतना यूजफुल देखा गया तो इसकी भारत कस्टमर्स को के लिए यूजफुल हुआ तो इसकी मांग बढ़ने लगी। जब अलग अलग जगह पर इसकी मांग बढ़ी तो इसकी चूंकि पहले जो टैली था वो कुछ सीमित भाषाओं में था, फिर इसमें भाषाएं मल्टी लैंग्वेज बनाई गई, बहुत सारी भाषाओं में इसको कन्वर्ट करा गया। तो टैली के दो वर्जन 2006 में ही लॉन्च किए, पहले 8.1 उसके बाद 9.0, जिसमें सबसे पॉपुलर अगर वर्जन देखा जाए तो 9.0 था। ये दोनों ही वर्जन मल्टी लैंग्वेज थे, मतलब अनेक भाषाओं में इनको कन्वर्ट किया गया। 2006 में दो नए वर्जन आए, 8.1 और 9.0। इसमें और भी टैक्सेस इन्वॉल्व किए गए, टीडीएस, टीसीएस, सर्विस टैक्स, एक्साइज, एटीसी। स्टूडेंट्स इसके बाद जमाना इंटरनेट का हो गया है कंप्लीटली, ऑनलाइन बहुत सारे ऐसी मल्टी बिजनेस कंपनियां जो ऑनलाइन बिजनेस में थी, मांग बढ़ी, तो टैली सॉल्यूशंस ने एक रिमोट यूजर सॉफ्टवेयर डेवलप करा जिसे हम ईआरपी कहते हैं, tally.erp9, जो एक बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन है। बिजनेस को मैनेज करने के सारे हल इसमें अवेलेबल हैं, वो आपका 2009 में टैली ने tally.erp9 को लॉन्च कर दिया। ये एक रिमोट यूजर है, ये सॉफ्टवेयर आने के बाद tally.net बोला जाएगा। रिमोट यूजर का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जैसे हम घर में टेलीविजन देखते हैं, कोई जरूरी नहीं है हम उसमें जाकर उसका वॉल्यूम बढ़ाएं, उसमें जाकर उसके चैनल्स को चेंज करें, हम कहीं भी कमरे में हैं, अपने हॉल में बैठे हैं, अपने रिमोट से अपने टेलीविजन को मेंटेन कर सकते हैं। यही चीज आपका टैली रिमोट यूजर हो गया, हम अपने कंपनी में जाए बिना, जैसे आज मैं आपको वो क्लासेस दे रहा हूं, ऐसे बिना कंपनी में जाए, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, COVID-19 कोरोना वायरस से देश परेशान है, तो सारे लॉकडाउन से सारे हमारे सबके इंस्टीट्यूशन सारी ऐसी संस्थाएं बंद है, सो आप लोगों तक मैं क्लासेस आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, सुविधा दे पाऊं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो वैसे ही बिना कंपनी में जाए, स्टे होम स्टे से घर पे रह करके आप वर्क ऑन होम घर पे ही काम करें, वो चीज tally.erp9 बहुत ही अच्छी सुविधा प्रदान करता है। तो 2009 में tally.erp9 जो बिजनेस मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोग्राम था वो आ गया। इसके बाद 2016 में चूंकि जीएसटी के बारे में बात चल रही थी और जीएसटी सर्वर एंड टैक्स पेयर के बीच में एक इंटरफेस के लिए आपका टैली सॉल्यूशंस को चुना गया, वेस्ट इंटरफेस के लिए टैली सॉल्यूशंस को चुना गया और 2016 में टैली का नया वर्जन आया, टैली ईआरपी 9 रिलीज। देखिए स्टूडेंट्स, रिलीज वर्जन आते गए, समय समय पर रिलीज वर्जन 2015 में भी आया, 2014 में भी आया, रिलीज वर्जन आते गए। मैं उसको सब नहीं लिख रहा हूं, रिलीज 1.1, 2.3.6, 4.0, 4.6, ऐसे बहुत सारे रिलीज वर्जन आए, मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, जो मेन मेन चीजें उसको मैं बता रहा हूं। तो 2007
16 में जीएसटी सर्वर और टैक्स क्लियर के बीच एक इंटरफेस ऐसा तैयार किया गया जिसमें टैली सॉल्यूशंस को ही चुना गया। स्टूडेंट्स, इसके बाद 2017 में जब 1 जुलाई 2017 को आपका इंडिया में जीएसटी लागू कर दिया गया, 1 जुलाई 2017 को इंडिया में जीएसटी लागू हो गया, तो 2017 में उस जीएसटी लागू जीएसटी पर काम करने के लिए टैली का जो नया संस्करण आया जिसे टैली विद जीएसटी हमने बोला, tally.erp9 with GST का रिलीज वर्जन लॉन्च हुआ 6.0। स्टूडेंट्स, ये आपका जीएसटी कंप्लायंस सॉफ्टवेयर जो टैली सॉल्यूशंस ने 2017 में लॉन्च कर दिया। हालांकि आज टैली का जो रिलीज है जीएसटी का रिलीज 6.5 6.4 चल रहा है। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि टैली सॉफ्टवेयर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता है, जो टैली सॉल्यूशंस है वो 4 प्रोडक्ट पर मेन काम करता है, tally.erp9, tally.server9, tally.shopper9 एंड tally.developer9। तो ये विवरण है हमारे टैली वर्जन का। वीडियो बहुत लंबा जाएगा स्टूडेंट्स, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में करके कर रहा हूं, बट डीपली मैं बता रहा हूं आप लोगों को। एक बार देख लें, पहला वर्जन 4.5, सेकेंड 5.4, थर्ड टैली 6.3, इसके बाद टैली 7.2, टैली 8.1, टैली 9.0, tally.erp9, tally.erp9 का रिलीज 5.0। जब ये दोनों के बीच में एक इंटरफेस किया गया और टैली सॉल्यूशंस को ये प्रोजेक्ट मिला उस टाइम की बात है, और 2017 में जीएसटी लागू होने पर आपका टैली का जो लेटेस्ट वर्जन आया tally.erp9 with GST रिलीज 6.0, जिसे टैली जीएसटी कंप्लायंस सॉफ्टवेयर के रूप में टैली सॉल्यूशंस ने लॉन्च। नेक्स्ट टॉपिक होगा डेबिट एंड क्रेडिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या किसी भी प्रकार का लेन देन है और लेन देन की ट्रांसपेरेंसी के लिए डेबिट और क्रेडिट का होना बहुत जरूरी है। दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। डेबिट लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। लेफ्ट साइड राइट साइड का मीन्स क्या है स्टूडेंट्स, हमारे बाउचर में लेफ्ट में पहले डेबिट लिखा जाता है उसके बाद क्रेडिट को लिखा जाता है। डेबिट को हम नाम पक्ष बोलते हैं और क्रेडिट को हम जमा पक्ष बोलते हैं। नाम पक्ष का मीन्स क्या है, पहले हम एक व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं। जब किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं तो जो बकाया राशि होती है उसके नाम पे चढ़ाया जाता है। कहने का मतलब उसके नाम पर उसकी प्रविष्टि की जाती है अमाउंट की और वो उधार होता है, मतलब इसलिए नाम पक्ष बोलते हैं। डेबिट को हम शॉर्ट में DR कहते हैं या बाई कहते हैं या ऋणी कहते हैं या फिर नामे। नाम पक्ष है इसलिए नामे। कहने का मतलब जब हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं, आगे हम स्टूडेंट्स आप लोगों को इसके रूल्स पढ़ाएंगे, अकाउंट के रूल्स पढ़ाएंगे, तो उसमें और अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे डेबिट और क्रेडिट को। मैं आप छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। डेबिट को हम नाम पक्ष कहते हैं, कहने का मतलब जब नाम पक्ष लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, उसे हम डेबिट को डेबिट में लिखते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को उधार माल बेचते हैं तो उसका नेम जहां लिखा जाता है वो डेबिट में लिखा जाता है, क्योंकि वो उधार ले गया होता है, अगले में हमें उससे धन प्राप्त करना होता है, तो स्टूडेंट्स वो डेबिट होता है। डेबिट को हम शॉर्ट में DR लिखते हैं या फिर बाई लिखते हैं। हमारे वाउचर में भी ये दोनों चीजें दिखाई देती है, डेबिट DR और बाई। हालांकि इसे हमें कंफिगर करना पड़ता है टैली की सेटिंग में जाकर। इसे हम रेडी भी कहते हैं और इसे हम नामे भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें नाम किसी पर्सनल अकाउंट का, अभी हम अकाउंट्स पढ़ाएंगे तो उसमें अकाउंट्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। पर्सनल अकाउंट कोई व्यक्ति हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई फर्म हो सकता है। वो जब
उससे कोई लेन देन और उधार उसको माल बेचते हैं तो उसका नेम लिखा जाता है, वो डेबिट में होता है। अब हम आते हैं क्रेडिट पे। मेरे हिसाब से आपको डेबिट क्लियर हुआ होगा। अब हम क्रेडिट पे आ जाते हैं। क्रेडिट मीन्स जमा पक्ष। जमा पक्ष का सेंस ये है, जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो उस टाइम वो डेबिट में जाता है, डीआर होता है उसका नाम। लेकिन जब उससे हमें पैसा वापस प्राप्त होता है तो हम उसके अकाउंट से उसमें उस पैसे को जमा कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। मीन्स बकाए में जब पैसा वो देता है तो वो पैसा उसके खाते में क्रेडिट हो जाता है, तो वहां सीआर हम कर देते हैं। या हम ऐसे समझें, जब हम किसी व्यक्ति से उधार माल खरीदते हैं तो जब हम उधार माल खरीदते हैं तो उसे हमें पैसा देना होता है। पैसा देना है, वो मेरी लायबिलिटी है, प्रेजेंट टाइम में वो हमें दे रहा होता है, तो उसको हम जनरल इंग्लिश में मैं इसको समझाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, तो वहां वो सीआर होता है, क्योंकि उस टाइम वो केवल दे रहा होता है, तो सीआर। और क्लियर यह होता है, जैसे आपके बैंक खाते में जब पैसा आता है तो वो क्रेडिट हो जाता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट दिखाता है, और जब आप पैसा निकालते हो तो आपके अकाउंट से वो डेबिट हो जाता है। तो डेबिट और क्रेडिट को यहां से समझेंगे तो बड़े आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। इसके क्रेडिट को हम इन नामों से जानते हैं, क्रेडिट को हम शॉर्ट में सीआर या फिर टू, या इसे हम धनी कहते हैं या फिर जमा कहते हैं, क्योंकि जमा पक्ष होने के नाते इसे हम जमा कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे यहां डीआर और बाई आपको वाउचर में मिलेगा, वैसे यहां पर आपका सीआर और टू, ये दोनों ही टैली के वाउचर में देखने को मिलेंगे आपको। हालांकि इन्हें एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हम इसके कॉन्फ़िगरेशन से जाकर के कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, डेबिट और क्रेडिट एक इंपॉर्टेंट, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग सिस्टम आज का लास्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग सिस्टम के जनक जो है, फादर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, एक इटली के मैथमेटिशियन थे, लुका पैसोली। लुका पैसोली जी ने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम की उत्पत्ति की, डबल एंट्री सिस्टम को लॉन्च किया लुका पैसोली ने, जिन्हें हम फादर ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, चूंकि अकाउंटिंग जो है वो चार प्रकार से होता है, बट जो टैली में है वो मैं आपको बताऊंगा। अकाउंटिंग सिस्टम जो है, जो लेखा पद्धति जिसे हम कहते हैं, दो होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम या सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम एंड डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ये है आपका सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम, या सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम एंड डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ये दोनों ही अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंट करने की, लेखा करने की प्रणालियां आपके टैली में इन्वॉल्व है, इसलिए मैं इन दोनों को बता रहा हूं। हालांकि एक इंडियन एंट्री सिस्टम है, कैश एंट्री सिस्टम है, एक एरा लेखा प्रणाली और दोहरा लेखा प्रणाली, बट दोनों ही मेन है, सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री सिस्टम। जिसके जन्मदाता है, जिसके फादर है, इटालियन थे ये, इटली के वैज्ञानिक थे लुका पैसोली, जिन्होंने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम का लॉन्च करा। सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स एकहरा लेखा प्रणाली, जिसमें एक ही पक्ष को इंपॉर्टेंस दी जाती है, और डबल अकाउंटिंग सिस्टम मीन्स दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली जो है एक वैज्ञानिक सिस्टम है, बिकॉज इसमें दोनों पक्षों का विवरण दिया जाता है, इससे बहुत ही ट्रांसपेरेंसी रहती है, कहीं भी कोई भी
समझने में भी कोई असुविधा नहीं होती है। दोनों पक्षों का नाम इसमें लिखा जाता है, मतलब विवरण दिया जाता है। फ्रेंड्स, टैली में आपका सिंगल एंट्री मोड और डबल एंट्री मोड दोनों है, बट सिंगल एंट्री मोड जो है वो हम पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर और कंट्रा वाउचर में ही यूज करते हैं, वो हमेशा नहीं, जब हमको उसकी आवश्यकता पड़ती है तब इसको यूज करते हैं। और डबल एंट्री सिस्टम का ही हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इसको चेंज करना होता है तो हम कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और उसमें F12 प्रेस करके हम जाते हैं तो उसमें ऑप्शन होता है यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट, रिसिप्ट एंड कंट्रा। वहां हम यस और नो करना होता है। जब हम यस कर देते हैं तो हमारा वाउचर सिंगल एंट्री मोड में हो जाता है और जब हम नो कर देते हैं तो हमारा वाउचर डबल एंट्री मोड में हो जाता है। बट सिंगल एंट्री मोड केवल तीन ही वाउचर में अवेलेबल है, पेमेंट, रिसिप्ट और कंट्रा। ये तीन वाउचर है जिसमें आपका सिंगल एंट्री मोड यूज किया जाता है। और आपका जैसे परचेज, सेल्स, इन सब में आपका डबल एंट्री सिस्टम मोड ही यूज होता है। स्टूडेंट्स, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एक वैज्ञानिक पद्धति है। कहने का मतलब इसमें दोनों का पक्ष का होना जरूरी है। एक पक्ष वो जो पाने वाला है और एक पक्ष वो जो देने वाला है। पाने वाला और देने वाला, कहने का मतलब DR और CR से बात आ गई। मैंने आपको पहले बताया डेबिट और क्रेडिट दोनों उसमें लिखे जाते हैं, डेबिट और क्रेडिट। हम आपको जनरल एंट्रीज बताएंगे, उससे पहले हम आपको रूल्स, जो गोल्डन रूल्स होते हैं टैली के, वो हम आपको बताएंगे। गोल्डन रूल्स को बताने के बाद उसको हम डेबिट एंट्री, जब आपको जनरल एंट्रीज बताएंगे तो आप देख पाएंगे कि दोहरा लेखा प्रणाली जो है, डबल एंट्री सिस्टम जो है, उसका कितना यूज है। इससे बहुत ही ट्रांसपेरेंसी होती है, कोई भी खाते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। इसको आसानी से आप समझ सकते हैं, जैसे माल खरीदा, माल खरीदा मतलब माल को हम यहाँ गुड्स भी नहीं कहते एंट्री करते हैं, टैली में हम माल को परचेज से सेंस करते हैं, मतलब जो खरीदा की मीनिंग है परचेज, वही हम माल के लिए भी यूज करते हैं। हम गुड्स परचेज भी नहीं लिखते, हम डायरेक्टली परचेज लिखते हैं। और जब माल खरीदा तो परचेज अकाउंट DR टू कैश, नकद खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट DR टू कैश। अब हम क्या करते हैं, परचेज में मान लीजिए 10,000 का माल है तो परचेज अकाउंट DR 10,000, टू कैश 10,000, मतलब वो 10,000 हम दो बार लिखते हैं। कहने का मतलब दोनों पक्ष में हम अमाउंट लिखेंगे। सबसे बड़ी चीज कि डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस कभी कम और ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक ही वैल्यू है, बस उसको हम पक्ष में लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत या डबल दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही जरूरी है लेखा करना, क्योंकि हम लेखा ही करते हैं टैली में। हम जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं व्यापार में, जो रोजमर्रा आगे जो हम बुक कीपिंग करते हैं, जो डेबिट में हम रोज पर डे का लेन देन करते हैं, वो हम डेबिट और क्रेडिट के थ्रू ही मेंटेन करते हैं और वो हम दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत करते हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि अकाउंटिंग सिस्टम जो हम टैली में यूज कर रहे हैं वो हम कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग जो है, वैसे अकाउंटिंग चार प्रकार से, बट मैं अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग सिस्टम जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्स अकाउंटिंग, और जो टैली इन चारों का एक मिश्रित रूप है। टैली में हम सब कर लेते हैं, फाइनेंस में हम लेन देन, जो वित्त का वर्क करते हैं, जो लेन देन करते हैं, फाइनेंशियल में आता है। जो मेरा रिपोर्ट तैयार होता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, ये सब आपके मैनेजमेंट अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। कॉस्ट अकाउंट आपका डिस्ट्रीब्यूटर अपने गुड्स का, अपने माल का, अपने स्टॉक का एक रेट मेंटेन करता है, एक रेट, एक स्टैंडर्ड रेट जो तैयार करता है। स्टैंडर्ड रेट और स्टैंडर्ड कॉस्ट दो चीजें होती है। जो उसका लागत आता है, जो परचेजिंग कॉस्ट होती है, वो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है, और जो आप सेल करते हो वो स्टैंडर्ड रेट होता है। स्टूडेंट, तो आज के लिए, आज का सेशन मैं कंप्लीट कर रहा हूं आपका, ये चार टॉपिक कंप्लीट है। अगले
वीडियो में हम इसके आगे से स्टार्ट ट्राई करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी और हमारे सारे वीडियो को देखने के लिए आपको उसको नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना होगा। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना, दैट्स ऑल, थैंक यू।